सेंटर्ड यूनिट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल इसे कहते हैं। अब इसे हम लोग कैसे समझें, ये आपको सिंपल यूनिट सेल बना हुआ दिख रहा है राइट। बॉडी सेंटर्ड आपको समझ में आ गया, सेंटर्ड है कॉर्नर के अतिरिक्त कहीं अन्य स्थान पर भी एटम अरेंजमेंट होगा। अभी तो कॉर्नर पे दिख रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि सिंपल है, लेकिन बॉडी कब बनेगा। जिस एकक कोष्टिका में, जरा डिफिनेशन जानते हैं, जिस एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोष्टिका के कॉर्नर के अतिरिक्त एक एटम बॉडी के अंदर उपस्थित हो, यानी कि एक एटम क्यूब के अंदर हमने क्या किया, डाल दिया। जैसे इसके अंदर एक एटम हमने लिया, ऐसे डाल दिया, तो एटम आकर यहां पर क्या होगा, बैठ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। चलिए एटम जरा मालूम करते हैं, कॉर्नर के रिस्पेक्ट में कुल कितने एटम थे। कॉर्नर कितने, 8। एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1/8, तो एटम कितने आए, 1। अगर बॉडी के रिस्पेक्ट में बात करें तो कितने एटम अरेंजमेंट दिख रहे हैं, 1 एटम। तो टोटल एटम की बात करें बच्चों, कितना आया, 1 + 1 = 2 एटम। ये बात आपको समझ में आ रही है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें अवयवी कण कॉर्नर पर तो उपस्थित होंगे ही, इसके अतिरिक्त एक एटम बॉडी के अंदर उपस्थित होगा राइट। इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हाट इज इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। बहुत सिंपल है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहता क्या है, जिस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण यानी परमाणु अणु और आयन, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ये पूरा लेक्चर सुनने से ये सारे जो बॉडी और इंड फेसेस हैं तुरंत दिमाग में आपको समझ में आ जाए राइट। चलिए हम क्या कहना चाहते हैं, जिस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कॉर्नर के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलक पर भी उपस्थित होंगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इंड सेंटर। कॉर्नर पर तो एटम अरेंजमेंट होंगे ही, इसके साथ साथ एटम किन्हीं दो विपरीत फलक, चाहे आप राइट लेफ्ट वाला ले लीजिए, चाहे अप डाउन वाला ले लीजिए, चाहे फ्रंट या बैक वाला ले लीजिए, बताइए। हम लेफ्ट और राइट वाला लेंगे, चलिए, या अप या डाउन, चलिए अप या डाउन ले लेते हैं। ये अप हो गया और ये, ओह लाइट चली गई, तो बस ओह चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, अप है, यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये डाउन है राइट। कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1 एटम आएगा और इंड फेसेस की बात करें तो इंड फेसेस की यदि हम बात करेंगे तो कितने फेस लिए हैं, 2। एक फेस के रिस्पेक्ट में 1/2 एटम राइट, क्योंकि फेस पर जब आप एटम अरेंजमेंट करेंगे तो एटम का आधा भाग तो अंदर होगा, आधा भाग फेस के बाहर होगा, तो हम एटम का केवल आधा भाग ही लेंगे, तो दोनों के मिला के केवल 1 एटम आएगा राइट। कितना एटम आया, 1। तो टोटल एटम की बात करें बच्चों, कितना आ रहा है, 1 + 1 = कितना, 2। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में सॉलिड स्टेट के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर पाए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल या इसी प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, दूसरा हम लोग जान पाए सेंटर्ड यूनिट सेल, और ये भी 3 प्रकार के होते हैं, फेस बॉडी और एंड। तो इसमें हम लोग जान पाए सिंपल यूनिट सेल में कुल कितने बच्चों एटम अरेंजमेंट थे, 1 राइट, और बॉडी में 2, फेस में 4, एंड में 2 राइट। इस प्रकार से हम लोग सीख पाए यूनिट सेल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, पर यूनिट सेल में कितने एटम किस प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं, सभी बारे में जान पाए। वीडियो अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे।